रब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, बाकी न मैं रहूं, ना मेरी आरजू रहे। या रब तेरी रजा रहे। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है, जितनी जरूरत है घर में रखता है, बाकी शहरों में बेचता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें और अनाज शहरों में ना भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बहुत सुंदर है, परमात्मा ने बड़ी अच्छी रोजी दी है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, किसान ईश्वर में जीवन, किसान को परमात्मा ने सबसे प्यारा अपना बेटा बनाया है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, अगर संतों का इतिहास देखें, तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा वो सब गांव के थे, 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे, चाहे गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, सब गांव के थे। जहां ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि सच्चा जीवन अपनाएं और अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं, 16 घंटे क्या 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं, कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरह प्रवृत्ति हो जाए, ये रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ आए कि हम क्या खो रहे हैं। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी, अवसर दिया है भगवान ने, दिया हुआ मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रतिशील हों, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं जैसे पहले था। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि आपस और गैर में फर्क महसूस ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बहुत बड़ा महत्व होता है। कर्म किस भावना से किया जाता है, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। अगर यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर इस भावना से काम बन जाए कि भगवान ने इतना सुंदर काम मेरे को सौंपा है, सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से करे तो वो काम परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। अच्छी फसल लहरा रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, यदि देव प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो गया, ओले पड़ गए। परमात्मा करता है जैसे ऐसी भावना आई, वे काम करते हुए भी अकर्ता बन गया, यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है वह कर रहा है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, ये हाल
अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर भावना बदल गई कि मैं बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने हमें ऐसे महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसके मन को और उसकी आत्मा को। अब वही कर्म है, अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म था जो बंधन में बांधने वाला था। यदि ऐसा हो जाए तो हमारे देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इनमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय ही नहीं है। सुबह उठने से बाद रात को 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरी में भरा फेंक दिया, ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं, इतना व्यस्त जीवन, खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि खाना ना टाइम से मिलता है और ना पचता है, शरीर पर लगता है। इनको खिचड़ी भी बड़ी मुश्किल से हजम हो पाती है। इनके जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। शाम को इतना सुख जरूर होता है कि ये पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 10 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। वही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे अगर देखें कि हमारे देश में जिनकी 50,000 माहवार की आमदनी है, 25 से 50, वह सब प्रकार संपन्न है। संपन्नता मन से होती है, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके बच्चे असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2, कोई अशोका होटल, कोई ताज होटल। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। अब वो, लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया, निराश ना हो। अगर कोई काम आप रिपीटेडली बार बार करते हैं तो काम बन जाए। अगर आप वही खाता लिखते हैं तो कहिए ओम, लिख डालिए। अगर कैश गिनने का काम है तो कैश हाथ में लीजिए, कहिए ओम, गिन के डाला तो कहिए ओम। अगर 1,000 बार गिना तो 2,000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2,000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। मैं साउथ टूर पे गया हुआ था, एक बैंकर कहता है, साहब बहुत परेशान हूं। क्या हो गया भाई? कहते हैं लोग 10-10 रुपए के नोट लेके आते हैं, छोटे, इतनी गड्डी ले आते हैं, सुबह शांत में गिनता ही रहता हूं, उनको मैं भगा देता हूं कि बड़े नोट लेके आओ। मैंने भी, तेरा काम तो बहुत अच्छा है, क्यों भगा देता है उनको? हर नोट पे आराम करना, अपने इस देख पर नाम देखे। अगली बार जब मैं दोबारा साउथ गया तो कहता, भैया जी बहुत खुश हूं मैं। मैं, क्या हुआ? कहते, अब मेरे को चिड़चिड़ाहट नहीं आती। अब अगर 10-10 रुपए की नोट लेके आते, मैं गिनता रहता हूं बैठे हुए, चाहे मेरे को 24 घंटे गिनने पड़े। तो मैंने कहा, अच्छा हो गया ना अब तेरे लिए। तो ये है, बड़े आराम से परमात्मा का नाम लिया जा सकता है। जो 1,000 बार नाम लेगा, 2,000 बार नाम लेगा, उसको हमेशा ख्याल बना रहेगा, अपने इष्ट देव की याद हमेशा बनी रहेगी। और बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो होता नहीं हमेशा काम हो, कभी ग्राहक होता है कभी नहीं।
आप अपनी दुकान पे जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगर बत्ती जलाए, अपने इस देव का ध्यान कीजिए आंख खोलकर। ग्राहक आ जाए, परमात्मा की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। ग्राहक चला जाए, परमात्मा की याद में फिर लग जाइए। अभ्यास। अगर दुकान पर आठ घंटे रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बेकार गप्पों में जिंदगी का एक भी क्षण खराब न करें, या काम करें या परमात्मा का नाम लें, दो चीजें। तीसरा, बीच में कोई काम करना ही नहीं, अपना काम करेंगे या परमात्मा का नाम लेंगे। अगर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे दुकान पर रहते तो भोजन वहीं करते होंगे, बड़े प्यार से 8 घंटे वहीं आराम करते होंगे, बड़े प्यार से आराम कीजिए। भोजन करते तो बड़े प्यार से भोजन करिए। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया तो 6 घंटे दुनिया का काम और 6 घंटे परमात्मा की याद। हैबिट फॉर्मेशन, जैसे जैसे आपकी आदत पक्की होती चले जाएगी, मन अपने आप ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, अपने आप वोल्टेज कम हुआ बढ़ा दिया, बढ़ा हुआ कम हो गया, अपने आप ऑटोमेटिक आपका मन जो है वो काम में और इष्ट के चरणों में लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सुंदर है, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है। अगर पैसा कमाने के लिए करता है तब बंधन का कारण है, वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, उसे ही पैसा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, फैक्ट्री में अक्सर देखा होगा, पर हर काम पूजा नहीं है, हर काम पूजा में बदल सकते हैं बड़े आराम से। जिस भाव से करेंगे उसी भाव से आपका काम होगा, वैसे होगा। भावना बड़ी प्रधान चीज है, किस भावने से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं, और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल, एक कौड़ी का भी नहीं था, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं बड़ी चीज है, वही उठाने वाली है, वही गिराने वाली है। और अगर वो ये काम करता है कि पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, वो सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा, दुकानदार अगर चाहे बड़े आराम से 16 घंटे अपने बना सकता है, 8 घंटे और 6 घंटे ऐसे हैं जिसमें वो अपना व्यवसाय का काम करता है और बगैर रुकावट के बड़े आराम से किया जा सकता है काम। ये जो वर्क इज वर्शिप है, जो मेरे CMD साहब थे उनके साथ बहस हो गई गाड़ी में बैठकर, कहते हम तो वर्क को वर्शिप मान के करते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, जब भी बैठते हो ये कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। और ज्यादातर लोगों से यही सुना होगा, काम ही पूजा, काम ही पूजा, काम करिए पूजा करिए, होगा, चलता रहेगा।
जब 3-4 बार कह चुके तो मैंने हुंकारा भरा, मैं कह नहीं आप गलत कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। कान खड़े हो गए, कहते क्या होता है फिर? मैंने काम पूजा नहीं है, काम को पूजा में बदला जा सकता है ना। आप जो है कर्म भोगी हैं, कर्म योगी नहीं है। जो काम कर रहे हैं उसका एहसान कर रहे हैं आप, कर्म पूजा नहीं है। कर्म को पूजा में बदला जा सकता है अगर काम परमात्मा की याद में डूब के किया जाएगा, वही काम आपका अपना हो जाएगा, पूजा होगी, उसका पूजा की तरह किया जाएगा। तो माने, कहते हाँ तो ठीक कहता है। मैंने कहा चलो एक बात तो मानी। अब क्या है, हम आते हैं तीसरे तबके पर, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, ऑफिस में काम करने वाले लोग। उनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, उससे ज्यादा तो होती नहीं। 7 घंटे में 1 घंटा लंच का और आधा आधा घंटा चाय का, लंच से पहले 15 मिनट, 15 मिनट बाद। क्या है, अगर लंच का घंटा है तो ईश्वर को देना ही है, तो परमात्मा की याद में भोजन करिए, ईश्वर की याद में भोजन सामने आए अर्पण कीजिए, उसी की याद में खाइए। उसके बाद 1 घंटा बड़े प्यार से अपनी आराम कुर्सी पर बैठिए, आंख मीचिए, आराम कीजिए। बेकार गप्पों में अपना समय बर्बाद ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी और आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, एफिशिएंट हो जाएंगे। कल भी मैंने बताया कि हमारे महाराज जी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे वो भी, और 25 साल साइंटिफिक तरीके से अपने काम को करते हुए ये भी साइंटिफिक तरीका निकाल के दिया। एक एक मिनट का हिसाब रखना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी का, जो हम नहीं रखते। हर चीज का हिसाब रखते पर अपनी जिंदगी का 1 मिनट का हिसाब नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया और कैसे किया। तो 7 घंटे में से 1.5 घंटा ईश्वर की याद बड़े आराम से कर सकते, बहुत आराम से। बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जहां निरंतर काम रहता है और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर निरंतर काम नहीं रहता। आप अपने ऑफिस में जाइए, इष्ट मित्रों से प्यार से मिलिए, उसके बाद कोई चुटकुला याद हो तो सुना दिए, रीडर डाइजेस्ट का सुना दिया, सब खुश हो गए। जब खुश हो जाएं तो अपनी सीट पर जाइए, काम कीजिए, और काम खत्म हो जाए तो आंख खोल कर ईश्वर की याद कीजिए। बंद नहीं करनी है, खोल कर करिए। काम खत्म हो जाए, काम आ जाए तो उसमें लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो जाए तो भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर, किसी को शुभा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने ऑफिस में जाहिर करना शुरू किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं दफ्तर में बैठ कर भगवान का ध्यान करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो आपको करने नहीं देंगे। कोई चौक फेंक के मारेगा, कोई कलम फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी। छिपाना है और छिपाकर अपना काम करना है धीरे धीरे। अगर गलती से आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो देखकर पिक्चर का आया, कोई नुकसान नहीं है। अभ्यास कीजिए, इसका लाभ यह है कि धीरे धीरे ये प्रोसेस करते करते आपको आदत हो जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, पूरी सिंसियरिटी में उसके साथ लगी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से
निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।